नमस्कार, मेरा नाम पंकज जाखड़ है और आज हम कंक्रीट टेक्नोलॉजी सब्जेक्ट जिसका कोड C207 है उसमें फर्स्ट चैप्टर की थर्ड यूनिट हाइड्रेशन ऑफ सीमेंट के बारे में पढ़ेंगे। स्टार्टिंग में हमने पढ़ा था सीमेंट को कैसे बनाते हैं, सेकेंड यूनिट में हमने केमिकल कंपोजिशन के बारे में पढ़ा था कि उसमें क्या क्या केमिकल कंपोजिशन होते हैं और उनका क्या क्या सीमेंट का रॉ मटेरियल क्या होता है जो, और फिनिश्ड प्रोडक्ट जो हमारे सीमेंट है, इंटरमीडिएट प्रोडक्ट है सीमेंट है, उसमें क्या क्या रॉ मटेरियल होते हैं, उसका क्या केमिकल कंपोजिशन होता है, ठीक है, और फाइनल प्रोडक्ट क्या क्या होता है, ठीक है। अब हम देख हाइड्रेशन ऑफ सीमेंट के बारे में पढ़ेंगे। हाइड्रेशन ऑफ सीमेंट क्या है? पहली बात, जल योजन जिसे बोलते हैं, जल योजन क्या है? जब सीमेंट, हमें पता है कि सीमेंट केमिकली एक्टिव नहीं होती और किसी को बाइंडिंग प्रॉपर्टी नहीं होती, बंधक नहीं होती, ये ग्रे कलर का पाउडर बोल सकते हैं। जब इसको, इसके अंदर जल मिलता है, पानी मिलता है, तो ये पेस्ट बनाता है, गारा बनाता है, और उसके बाद इसमें बंधक जो बाइंडिंग प्रॉपर्टीज वो आती है और वो एग्रीगेट जो होता है आसपास या जो भी होता है, पत्थर है, एग्रीगेट है, सीमेंट है, उन सबको बांध के रखता है। ये पूरा प्रोसेस है जल योजन कहलाती है। सो अगर हम डेफिनेशन देखें, जब जल और सीमेंट आपस में मिलते हैं तो एक गारा बनाता है जो एग्रीगेट को बांध कर रखता है। यह प्रक्रिया जल योजन या हाइड्रेशन ऑफ सीमेंट बोलती है। तो यहीं से बेसिकली जो सीमेंट की सीमेंटिटिस प्रॉपर्टी है, बांधने की बंधक क्षमता है, बांधने का गुणधर्म है, वो यहीं से स्टार्ट हो रहा है। तो इसलिए हाइड्रेशन प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट। अगर हाइड्रेशन नहीं होगा तो कुछ भी नहीं होगा, तो सीमेंट का पेस्ट नहीं बनेगा, पेस्ट नहीं बनेगा तो बंधक प्रॉपर्टीज नहीं आएगी। अब जो हाइड्रेशन या जल योजन है, ये एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। एक्सोथर्मिक बोले तो इसमें बाहर ऊष्मा बाहर निकलती है। जब ऊष्मा बाहर निकलती है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, इसलिए इस कारण हम बार बार, ये भी एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है। अगर हमें पता चलना है कि एक्सो रिएक्शन हो रहा है नहीं, हाइड्रेशन हो रहा है नहीं हो रहा है, तो उसका इनडायरेक्ट चेक ये है हमारा क्या है कि बाहर एनर्जी निकल रही है नहीं, देखिए एनर्जी टेम्परेचर बढ़ रहा है नहीं बढ़ रहा है, और वो एक मेथड है चेक करने का। जैसे जैसे हाइड्रेशन होगा वैसे वैसे सीमेंट स्ट्रेंथ गेन करेगी। अगर हाइड्रेशन जल्दी होगा तो जल्दी स्ट्रेंथ गेन करेगी, ज़्यादा जल्दी ऊष्मा ऊर्जा निकलेगी, और अगर धीमे धीमे होगा हाइड्रेशन तो क्या होगा, धीमे धीमे ऊर्जा बाहर निकलेगी और धीमे धीमे वो स्ट्रेंथ गेन करेगी। तो ये बेसिक प्रोसेस है। अगर हम ये कहते हैं कहीं हाइड्रेशन हो ही नहीं रहा है या हाइड्रेशन नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब क्या होता है कि उसको केमिकली एक्टिव नहीं है, सही नहीं है, और उसमें स्ट्रेंथ नहीं आएगी। कई बार हम कहते हैं कि सीमेंट का कट्टा होता है, उसके बाद लिखा होता है नॉट टू यूज आफ्टर मोर देन 3 मंथ्स। 3 मंथ्स उसका मतलब क्या, 3 महीने बाद क्या होता है, उसकी प्रॉपर्टीज कम होनी चालू हो जाती है, और 6 महीने बाद हम कहते हैं कि सीमेंट यूज की नहीं है, मर गई है सीमेंट। मर गई मतलब कि उसमें पानी मिलाएंगे तो उसमें हाइड्रेशन नहीं होगा, हीट ऑफ हाइड्रेशन, कोई भी ऊर्जा नहीं निकलेगी, और उसकी बाइंडिंग प्रॉपर्टीज लगभग 0 होगी, बहुत कम हो जाएगी, हो सकता है जो उसके एक्सपेक्टेड है। इसमें हमने पहले भी देखा है कि जल योजन से पहले सीमेंट क्या होती है, हाइड्रेशन से पहले सीमेंट क्या होती है, फाइन पाउडर होता है, पानी होता है, ये दोनों मिला के पेस्ट बनाता है, गारा होता है, और वो मिलके क्या होता है, वो एक बाइंडर का काम करता है, और जो हमारा सीमेंट का बेसिक पर्पस है यहाँ से स्टार्ट होता है। हम देखेंगे कंपाउंड ऑफ सीमेंट क्या क्या है। बेसिकली पूरा केमिकल चार्ट हम देख रहे हैं कि क्या क्या कंपोनेंट्स ऑफ सीमेंट है। बेसिकली रॉ मटेरियल अपन देखें तो क्या होगा, ऑक्सीजन, एलिमेंटल लेवल पे ऑक्सीजन, सिलिका, कैल्शियम, एल्यूमिनियम, आयरन, ये होता है बेसिक एलिमेंट लेवल पर। एलिमेंट नॉर्मली कभी भी प्योर फॉर्म में नहीं पाए जाते हैं, पर हमारे एनवायरनमेंट में, कहीं पर भी, नेचर में, पर्यावरण में, ये कंपाउंड के फॉर्म में पाए जाते हैं। तो ये पहला पहला क्या है, कैल्शियम ऑक्साइड, सिलिका ऑक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड और आयरन ऑक्साइड, ये चारों, इनमें ये इन चारों कंपाउंडों में ये चारों बेसिक एलिमेंट्स हैं। कैल्शियम ऑक्साइड हमें चूने पत्थर से मिलता है, सिलिका ऑक्साइड सैंड बजरी से मिल सकता है या फिर क्ले से मिलता है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड और आयरन ऑक्साइड हमें क्ले से मिलते हैं, ठीक है। और जहाँ चूना नहीं होता, कैल्शियम ऑक्साइड के लिए सेल भी यूज कर सकते हैं हम लोग। अब इनको हम गर्म करते हैं 14 डिग्री सेल्सियस पर, हमने देखा था, क्लिंकर बनते हैं। क्लिंकर बनने के बाद जो इनमें केमिकल रिएक्शन कंपाउंड बनते हैं, एक कुछ इसका जेल फॉर्म बन के वापस कूलिंग करके C3S, C2S, C4A, C4AF, ट्राई कैल्शियम सिलिकेट, डाई कैल्शियम सिलिकेट, ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट, टेट्रा कैल्शियम एल्यूमिनो
ये चार हैं। पहले दो कंपाउंड है ट्राइकैल्शियम सिलिकेट, ये लगभग 50% होता है, दूसरा 20% होता है, बाकी अंडर 10% होते हैं। तो ट्राइकैल्शियम सिलिकेट अर्ली स्ट्रेंथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, मतलब प्रारंभ के 7 दिनों की, हम क्या सीमेंट में 28 दिन तक, हमें मानता है 28 दिन तक वो स्ट्रेंथ गेन कर रही है। तो पहले 7 दिन की स्ट्रेंथ किससे आएगी? ट्राइकैल्शियम सिलिकेट से। बाकी की जो 7 से लेकर 28 दिन तक है वो डाई कैल्शियम सिलिकेट, फिर ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट का काम, और ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट और टेट्रा कैल्शियम एल्यूमिनोफेरेट है, इनका काम होता है बेसिकली स्ट्रेंथ नहीं होके दूसरे काम होते हैं। और जो फाइनल प्रोडक्ट जो इसमें पानी मिला देंगे, अब हम पोर्टलैंड सीमेंट में पानी मिला दिया, अभी केमिकल कंपोजिशन थोड़ा सा हम बदलेंगे, एक अलग टाइप की सीमेंट बन जाएगी। हमने ओपीसी देखी है, ओपीसी के अलावा रैपिड हार्डनिंग सीमेंट, लो हीट ऑफ हाइड्रोजन सीमेंट और भी कई तरह की सल्फर रेजिस्टेंट सीमेंट कई होते हैं, उसमें कुछ और केमिकल डाल देंगे हम तो कुछ और बीच में बन जाएगा, या इन सब का रेशियो बदल देंगे तो इन चारों का रेशियो बदल जाएगा, तो एक अलग टाइप की सीमेंट बन जाएगी। ये है लास्ट में जो बनता है CSH जेल बनता है, ठीक है। ये जेल बन के, ठोस बन के बनता है, ये कंपाउंड हमारे लिए जो फाइनल कंपाउंड होता है ये होता है, एक जेल होता है जो सब मटेरियल, बाकी जो रॉ मटेरियल सैंड हो गया, एग्रीगेट हो गया, उनको बांध के रखता है, जैसे हमारा गोंद होता है वैसे एक जेल बन गया, केमिकल रिएक्शन के बाद बनता है। हम देख सकते हैं कि डायग्राम अपन देखें तो क्या है, ये हाइड्रेशन की चार प्रक्रिया है। स्टेज 1 पहला क्या है, पहला है जब कुछ भी हाइड्रेशन नहीं हो रहा, ठीक है, और ये सीमेंट के पार्टिकल्स हैं, ये हैं। अब ने पानी मिलाया, पानी मिलाते ही क्या हो गया, ये 2 सेकंड नंबर हो गया, सेकंड नंबर पानी मिलाते ही क्या हो गया, थोड़ा थोड़ा इसमें ये रिएक्शन करना चालू हो गया, क्या बन गया, कैल्शियम ऑक्साइड, लाइम ऑक्साइड, और ये जेल बना हुआ मैसी ट्राई कैल्शियम, सॉरी ये है ट्राई कैल्शियम सिलिकेट, ट्राइकैल्शियम सिलिकेट, ये बन के जेल बनना चालू हो गया। तो धीरे धीरे क्या करना पड़ता है, जो ये बाकी जो पानी है ये है, इसको एब्जॉर्ब कर करके ये जेल बनना चालू करते हैं। यह प्रक्रिया चालू हो रही है, चालू हो गई, काफी हद तक चली गई। लास्ट में क्या होता है, काफी सारा स्पेस है, वो क्या है, ये जेल जो बना हुआ है वो ऑक्यूपाई कर लेता है। ये धीरे धीरे प्रोसेस है, टाइम लगता है इसमें, लगभग ऐसा नहीं कि 1 घंटे में हो जाएगा ये सारा काम। अगर हम इसको दूसरे मॉडल से देखें, हाइड्रेशन मॉडल है, तो ये क्या सीमेंट के पार्टिकल है, इसके अंदर पानी मिलाया हमने, पानी मिलाते चारों ओर एक परत बन गई इसमें, और ये जेल बना लिया चारों ओर। अब क्या हो गया, जो खाली जगह थी, वॉइड थे, उसकी मात्रा धीरे धीरे कम हो गई है, हाइड्रेशन प्रोसेस चालू हो गया, धीरे धीरे ये आकार बढ़ता जाएगा इनका, एक परत बनती जाएगी, ये चारों ओर पानी की परत है, पानी की परत बनती, क्या होता है, रिएक्शन चालू हो जाएगा और धीरे धीरे ये प्रक्रिया आगे चलती रहेगी। या हम दूसरे फॉर्म में लेके मॉडल लेके, फ्रेश जो सीमेंट होता है उसमें क्या होता है, सीमेंट और पानी होता है बस, ठीक है, प्योर होता है, सीमेंट में पानी मिलाया, इसके बाद जो फाइनल प्रोडक्ट है हमारा जो ये है, इसमें क्या है, कुछ सीमेंट रह जाता है कई बार, बाकी जो केमिकल में काम नहीं है, रिएक्शन नहीं होता, और पानी होता है कुछ, बाकी हाइड्रेटेड सीमेंट होता है। हाइड्रेटेड सीमेंट मतलब CS जेल, ये जेल हो गया, ये हार्डनिंग का काम करता है, और कुछ जो है वो बाकी इसमें वॉइड्स हमेशा रह जाते हैं, ठीक है। तो ये हाइड्रेटेड सीमेंट है, यही बाइंडर का काम करता है, यही मेन जो सीमेंट का हमारा काम है उसमें इसका यूज होता है। तो ये एक इम्पोर्टेंट चीज देखें, ये दो चार्ट है, काफी स्टैंडर्ड चार्ट है, काफी इम्पोर्टेंट चार्ट है। इनमें अपन देखेंगे स्ट्रेंथ के लिए, तो हम देखेंगे कि स्टार्टिंग की जो स्ट्रेंथ है ये 28 दिन, 365 दिन, 1 साल तक की स्ट्रेंथ है, और हम ये चेक करते हैं नॉर्मली, हम जो टेस्ट करते हैं, हम स्ट्रेंथ कहाँ तक लेते हैं, 28 दिन तक की स्ट्रेंथ ही लेते हैं। तो 28 दिन यहाँ आ गई तो ये स्ट्रेंथ है बेसिकली। तो 28 दिन हम देखेंगे जो स्टार्टिंग की स्ट्रेंथ है 7 दिन में, वो किससे आ रही है, स्टार्टिंग के दिनों में स्ट्रेंथ किनसे आ रही है, C3S से आ रही है, उसके बाद C2S से स्ट्रेंथ आ रही है बाद के समय में, अंत में जाके दोनों का रेशियो वो फिक्स हो गया। पर जो मान लीजिए हमें 1 दिन के अंदर स्ट्रेंथ चाहिए, या 2 दिन में हम चाहते हैं कि हमारी सीमेंट 2 दिन में ज्यादातर स्ट्रेंथ ले ले, तो हम क्या करेंगे, C3S की मात्रा बढ़ाएंगे, C2S की कम करेंगे, क्योंकि ये जल्दी स्ट्रेंथ दे रहा है, 1-2 दिन में स्ट्रेंथ ज्यादातर दे रहा है, अपनी फाइनल स्ट्रेंथ का काफी परसेंटेज दे रहा है। परंतु अगर C2S का मान ज्यादा है तो इससे क्या होगा, हाइड्रेशन धीमे धीमे होगा, स्ट्रेंथ धीरे धीरे गेन होगी, हाइड्रेशन धीरे धीरे होगा मतलब ऊर्जा धीरे धीरे निकलेगी, ऊष्मा जो है वो धीरे धीरे निकलेगी, ऊष्मा धीरे धीरे निकलना, कई बार हम चाहते हैं ऊष्मा धीरे धीरे निकले, क्यों, यदि ऊष्मा जल्दी निकलेगी, तेज निकलेगी, क्या होगा, उससे उससे हमारे में ऊष्मा जल्दी निकलेगी तो उससे टेम्परेचर बढ़ जाएगा, और
कंक्रीट में क्रैकिंग के चांस काफ़ी बढ़ जाएंगे। तो हम कई बार लिक्विडेटिंग स्ट्रक्चर डैम हो गया, ओवरहेड टैंक हो गया, इसमें हम नहीं चाहते कि क्रैकिंग आए, इसलिए उसमें हम C2S की मात्रा ज़्यादा रखेंगे, C3S की मात्रा कम रखेंगे। तो बेसिकली C2S C3S का जो अनुपात है वो इस बात पर निर्भर करता है कि हमारा पर्पज़ क्या है, फाइनल काम क्या है। ठीक है, मान लीजिए एक चाकू है, उसमें कई तरह की धार आती है। अब सब्जी काटनी है, अलग तरह की धार लगाएंगे, और हमें अगर उससे डॉक्टर यूज़ कर रहा है सर्जिकल नाइफ में, तो उसके लिए एक अलग धार आएगी। ठीक है, एक ही मटेरियल को हम अलग अलग टाइप यूज़ कर सकते हैं, डिपेंड करता है हमारा फाइनल पर्पज़ क्या है। ठीक है, और ये रेट ऑफ हाइड्रेशन है कि कितना जल्दी किसका हाइड्रेशन होता है, कौन सा जल्दी हाइड्रेशन, मतलब जलयोजन किसका जल्दी हो रहा है। सबसे जल्दी C4AF और C3A का होता है, हम देख लिए स्टार्टिंग में। ठीक है, और धीरे धीरे बढ़ता है ये। ठीक है, तो स्टार्टिंग में इनका बड़ा जल्दी से होता है। C3S क्योंकि अर्ली स्ट्रेंथ है इसलिए इसका जल्दी होता है। C2S जो लेट स्ट्रेंथ दे रहा है इसलिए क्या होता है, इसका हाइड्रेशन भी धीमे धीमे होता है, इसलिए ये बाद में स्ट्रेंथ देने के काम आता है। तो ये पर्पस बेसिकली हुआ, ये चारों बेसिकली हम अगर कोई नॉर्मली क्वेश्चन पूछ जाते हैं तो यही पूछ जाता है, केमिकल कंपोजिशन ऑफ सीमेंट। सीमेंट पूछ लिया तो रॉ मटेरियल का बता देंगे, एक तो हम कैल्शियम ऑक्साइड, सिलिका ऑक्साइड, आयरन ऑक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, और फाइनल क्या है जो सीमेंट रॉ मटेरियल बने क्लिंकर, उसका है क्या, C3S C2S C3S C4AF। ये है बेसिकली, इन सब का अनुपात हम निर्धारित पहले से निर्धारित करके रखते हैं, हम किस टाइप की सीमेंट बनानी है, और इनका अनुपात करके बदल के हम एक नई तरह की सीमेंट बनाते हैं। इसके अलावा कई अलग तरह की सीमेंट होती है, उसमें कई और पदार्थ डालते हैं, उनके अलग गुणधर्म होते हैं, वो हम टाइप ऑफ सीमेंट में पढ़ेंगे, तो वो एक अलग होती है। तो उसके हर चीज डालते हैं, उसका एक अलग एक पर्पस होता है, किसी कोई भी चीज है यहाँ पे बिना पर्पस नहीं है। जैसे हमने देखा था लास्ट लेक्चर में कि C4AF है, तो इसका कोई स्ट्रेंथ में हो सकता है, C4AF और C3A, ये देख रहे हैं हम यहाँ पे, इनका कोई स्ट्रेंथ में रोल नहीं है, कोई सामर्थ्य नहीं, सीमेंट को मजबूत नहीं कर रहा है, पर इनका दूसरा रोल है क्या है, इन्हीं सेटिंग को रोकते हैं, फ्लैश सेटिंग, एकदम सेटिंग सीमेंट मजबूत हो जाए उसको रोकते हैं, और टेम्परेचर है जो हमारा क्लिंकर बनने का वो कम करते हैं, फ्यूल बड़ा बचाते हैं। तो ये अनडिजायरेबल नहीं है, ऐसा नहीं है कि ये एकदम वेस्ट प्रोडक्ट है, ये है, पर इनका एक यूज है, इसलिए हम इनको क्या सीमेंट में रखते हैं, और इनकी क्वांटिटी फिक्स है, कम है, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में हम इनको नहीं रखते हैं, सबसे बड़ी बात ये है। तो ये इसी के साथ केमिकल कंपोजिशन चालू हुआ, हमारे फर्स्ट चैप्टर ऑलमोस्ट खत्म हो गया है इसमें। ठीक है, इसका एक और यूनिट है जो हमने पहले पढ़ा दी थी, आप वो आप इसके बाद देख सकते हैं, टाइप ऑफ सीमेंट। टाइप ऑफ सीमेंट हम देखेंगे, रैपिड हार्डनिंग सीमेंट, स्लो हार्डनिंग, स्लो लो हीट ऑफ हाइड्रेशन सीमेंट, वाइट सीमेंट, पोर्टलैंड स्लैग सीमेंट, सल्फर रेजिस्टेंट सीमेंट, एयर एंट्रेंस सीमेंट, अलग अलग टाइप की सीमेंट है। तो बेसिकली उसमें हम देखेंगे C2S C3S की मात्रा अलग अलग परिवर्तित करते हैं अपने हिसाब से, और ये कार्य करता है। ठीक, कोई भी डाउट है, आपको कोई भी क्वेश्चन है, आप ईमेल आईडी है pankajjakhad@gmail.com पर पूछ सकते हैं, किसी भी तरह का अभी तक सब्जेक्ट्स में कोई डाउट हो। ठीक है, थैंक यू।